हे दोस्तों, एक गांव में एक आदमी रहता था जिसका किसी रीजन से ये मानना था कि सारे मॉन्क्स फ्रॉड होते हैं, फेक होते हैं, इसलिए वो उन्हें बहुत ज्यादा हेट करता था। अब एक बार जब उसे उसके घर के पास एक मॉन्क बैठा हुआ दिखता है एक आदमी के साथ, तो वो उनके पास जाता है और गुस्से में कहने लगता है, तुम्हारे पास लोगों को ज्ञान बांटने का कोई हक नहीं है, तुम जैसे लोग एक नंबर के फ्रॉड होते हैं, स्टूपिड होते हैं। और ऐसे ही उसने बहुत कुछ बोला। नो, इसके ऊपर मॉन्क ने सारी बातें शांति से सुनी बट रिप्लाई कुछ नहीं करा, इसलिए फ्रस्ट्रेट होकर वो आदमी थोड़े टाइम बाद वहां से चला गया। अब ये सारी चीजें देखने के बाद मॉन्क के साथ जो आदमी रहता है वो उनसे पूछता है कि उस आदमी ने आपको इतना बुरा भला बोला, आपने उसे कुछ जवाब क्यों नहीं दिया, गुस्सा क्यों नहीं करा। तो इसके ऊपर वो मॉन्क स्माइल करते हैं और कहते हैं, मुझे एक बात बताओ, अगर तुम्हारे घर पे कोई गेस्ट आए और तुम उन्हें कुछ खाने के लिए ऑफर करो या फिर तुम उन्हें कोई गिफ्ट दो और वो उस गिफ्ट को लेने से रिफ्यूज कर दे, मना कर दे, तो फिर बताओ वो गिफ्ट किसका होगा, तुम्हारा या फिर उस आदमी का। नौ, ये सुन के वो आदमी कन्फ्यूज होता है और बोलता है, अगर कोई मेरे दिए हुए गिफ्ट को एक्सेप्ट नहीं करेगा तो फिर उसे मैं अपने पास ही रख लूंगा, मतलब वो गिफ्ट मेरा ही रहेगा। मॉन्क ने स्माइल करते हुए कहा, बिल्कुल सही, जब वो आदमी कॉन्स्टेंटली मेरी इंसल्ट कर रहा था तब मैंने वो इंसल्ट लेने से मना कर दिया, मैंने रिफ्यूज कर दिया, जिसकी वजह से गिफ्ट की तरह ही उस इंसान का गुस्सा, उसका हेट और इंसल्ट उसके पास ही वापस चले गई। और ये सब करके उसने बस अपने आप को हर्ट करा, सारी नेगेटिव एनर्जी बस उसके पास ही रही, इसीलिए ही वो खुद फ्रस्ट्रेट होकर वहां से चला गया। नो, देखो दोस्तों, इस स्टोरी से हमें पता चलता है कि लोगों के कहे हुए वर्ड्स हमें तभी इफेक्ट कर सकते हैं जब हम उसे एक्सेप्ट कर ले, और अगर हम उसे एक्सेप्ट करें ही ना, रिफ्यूज कर दे, तो उन वर्ड से, उन इंसल्ट से हमें कोई फर्क नहीं पड़ेगा, उल्टा वो सामने वाला इंसान ही फ्रस्ट्रेट हो जाता है। ऐसे ही जब भी आपकी कोई इंसल्ट करता है, आपकी इनसिक्योरिटीज का मजाक उड़ाता है, तो आपको कैसे रिस्पॉन्ड करना चाहिए? सबसे पहले आपको ये समझना होगा कि दूसरा पर्सन जो आपकी इंसल्ट कर रहा है वो आपसे क्या चाहता है, और सिंपली वो जो आपसे मांग रहा है अगर आप उसे वो ना दोगे तो आप जीत जाओगे। नो, इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा तीन तरीके जिसका यूज करके आप बहुत अच्छे से अपनी इंसल्ट्स का रिस्पॉन्ड कर सकते हो, और फिर लास्ट में मैं आपको बताऊंगा कि इन तीनों में से सबसे बेस्ट तरीका कौन सा है, इसलिए वीडियो को पूरा जरूर देखना। नाउ लेट्स स्टार्ट। फर्स्ट वे, अग्रेशन। ग्रीक फिलोसोफर एपिक्टेटस कहते हैं कि इट्स नॉट व्हाट हैपेंस टू यू, इट्स हाउ यू रिएक्ट टू इट दैट मैटर्स। जब आपसे कोई कुछ कहता है या आपकी इंसल्ट करता है तो आप उस बात पर किस तरह से रिएक्ट करोगे, वो रिएक्शन फ्रेम ऑफ द कन्वर्सेशन बन जाएगा, मतलब जिससे सभी लोगों का फोकस सिर्फ आपके रिएक्शन पर होगा। फॉर एग्जाम्पल, इमेजिन करो आप एक पार्टी में हो और सडनली उस पार्टी में आपको कोई अगली बोलता है लाइक, हे तुम कितने बदसूरत हो, तुम्हारी शक्ल जरा भी अच्छी नहीं है। नाउ ये बात सुनकर अगर आप बहुत गुस्से में आ जाओ और उस इंसान को फिर बुरा भला बोलने लगो, गाली देने लगो या फिर उससे लड़ाई करने लग जाओ, तो आप उस सिचुएशन में कुछ ऐसा फ्रेम सेट कर रहे होंगे लाइक, जो बात उसने मुझे कही उससे मुझे बहुत गुस्सा आ रहा है, जिसका मतलब इन चार चीजों में से एक निकलता है। फर्स्ट, आप अपनी शक्ल को लेके बहुत इनसिक्योर हो। सेकंड, आप बहुत गुस्से वाले इंसान हो, शॉर्ट टेम्पर्ड हो। थर्ड, आपको हर बात बहुत ज्यादा इफेक्ट करती है, आप सेंसिटिव हो। या फिर फोर्थ, आप भी ये एक्सेप्ट कर रहे हो कि आपकी शक्ल आपको पसंद नहीं है। अब ऐसा करने से देखो, नेगेटिव सब ज्यादा आपके बारे में सोचेंगे, भले से ही गलती उस इंसान की क्यों ना हो, स्टिल पूरा एनवायरनमेंट खराब हो जाएगा और सब उसके लिए आपको ब्लेम करेंगे, बिकॉज आप उन्हें ज्यादा दिख के आओगे, एग्रेसिव होकर दिख के आओगे, जो एक्चुअली कई बार सामने वाला इंसान चाहता भी है। मैक्सिमम टाइम सामने वाला इंसान चाहता है कि आप अपनी इंसल्ट पर रिएक्ट करो, गुस्सा हो जाओ, जिसकी वजह से फिर वो इंसान आपसे बेटर लगने लगे, वो आपको अपने आप से नीचा समझने लगे। इसलिए यूजुअली इंसल्ट पे गुस्सा होना, फ्रस्ट्रेट होना, ऑफेंसिव वे में रिएक्ट करना, ऑथर बोलते हैं वन ऑफ द वर्स्ट तरीका है रिएक्ट करने का, जो आपको नहीं करना चाहिए। सेकंड, क्वाइट। डेल कार्नेगी अपनी बुक हाउ टू विन फ्रेंड्स एंड इन्फ्लुएंस पीपल में एक इंटरेस्टिंग स्टोरी शेयर करते हैं, जहां वो एक डिनर में थे एक शेक्सपियर लिटरेचर के एक्सपर्ट के साथ जिनका नाम मिस्टर गेमोंड था। नाउ वहां उन्हें एक आदमी मिलता है जो उनसे आर्ग्यू करने लगता है कि ये जो कोट है वो बाइबल से लिया गया है और वो किसी शेक्सपियर के वर्क का पार्ट नहीं है। नाउ ये सुनकर ऑथर बोलते हैं कि हाँ, ये सच हो सकता है, बट ये भी सच है कि ये काम शेक्सपियर ने भी लिखा है अपने बुक में, बट वो आदमी इस बात को एक्सेप्ट नहीं करता और ऐसी उनमें बहस चलने लगती है। मिस्टर गेमोंड रिस्पॉन्ड करते हुए बोलते हैं कि डेल, तुम गलत हो, ये जेंटलमैन जो है वो सही कह रहे हैं, ये बाइबल का ही पार्ट है, ना कि किसी शेक्सपियर के प्ले का। नाउ ये सुन के डेल कार्नेगी चुप हो जाते हैं, बट उन्हें ये बात सही नहीं लगती, इसलिए जब वो आदमी चला जाता है तो वो मिस्टर गेमोंड को बोलते हैं, आपको पता है ना कि वो आदमी गलत बोल रहा था। तो इस पर गेमोंड बोलते हैं, हाँ मुझे पता है, वो कोट एक्चुअली हैमलेट के एक्ट 5 सीन 2 का था, पर मैंने इस बारे में आगे बात नहीं बढ़ाई क्योंकि मैं उस आदमी से आर्ग्यूमेंट नहीं करना चाहता था, मैं अपनी इवनिंग और डिनर का टाइम एनवायरनमेंट खराब नहीं करना चाहता था। और यही चीज समझदारी है जो तुम्हें भी करनी चाहिए। डेल कार्नेगी कहते हैं, द ओनली वे टू गेट द बेस्ट ऑफ आर्ग्यूमेंट इज टू अवॉइड इट।
जब भी कोई आपकी इंसल्ट करता है तो हमेशा उसके ऊपर रिस्पॉन्ड करने की जरूरत नहीं होती है, बिकॉज मैक्सिमम लोग इस लायक ही नहीं होते हैं कि आप कुछ बोलकर या उनसे आर्ग्यू करके अपनी एनर्जी और टाइम उन पे वेस्ट करो। इनफैक्ट कई बार किसी इंसल्ट का बेस्ट रिस्पॉन्स होता है साइलेंस या फिर सिंपली एग्री करना। सामने वाला कुछ भी बोले, अगर आप सिर्फ ओके भी बोल देते हो तो ये रिप्लाई भी अच्छा है। लाइक नेक्स्ट टाइम अगर आपको कोई आगे अगली बोले तो सिंपली कोई रिएक्शन ही मत दो, उस पर रिस्पॉन्स मत दो, या सिर्फ इतना कहो कि ओके या फिर आई डोंट केयर व्हाट यू थिंक। बिकॉज जब आप उसे वो रिएक्शन दोगे ही नहीं जो वो आपसे एक्सपेक्ट कर रहा है तो यूजुअली सामने वाला इस पे चुप हो जाएगा और अल्टीमेटली आप जीत जाओगे। जिससे आप ये फ्रेम सेट करोगे कि सामने वाला इंसान और उसके ओपिनियन आपके लिए मायने नहीं रखते हैं और वो वर्थलेस है, जो आपको पावरफुल और उसको वीक दिखाएगा। लेकिन हाँ, एक बात याद रखो, नाउ ये जो क्वाइट वाला रिस्पॉन्स है वो बेस्ट होता है स्ट्रेंजर्स के लिए, बट अगर कोई आपके लिए इंपॉर्टेंट है जिसे आप ज्यादा टाइम तक अवॉइड नहीं कर सकते हो तो ये जो नेक्स्ट पॉइंट मैं आपको बताऊंगा वो आपको हेल्प करेगा। 1997 में स्टीव जॉब्स वर्ल्ड वाइड डेवलपर कॉन्फ्रेंस में एक स्पीच दे रहे थे, तभी एक इंटरव्यूअर ने उनका मजाक उड़ाते हुए, उनके इंसल्ट करते हुए एक बात कही कि मिस्टर जॉब्स, आप एक बहुत ब्राइट और इन्फ्लुएंशियल इंसान हो, बट आपको खुद नहीं पता कि आप क्या बोल रहे हो। उसने एप्पल के ओपन डॉक्स के फेलियर के बारे में क्वेश्चंस रेज करे और वो कहने लगा कि आपने लास्ट 7 ईयर्स में कुछ नहीं किया है और आपके पास बोलने के लिए भी कुछ नहीं है। नाउ इंटरव्यूअर के ऐसे क्वेश्चंस पूछकर सब लोग शॉक्ड हो गए और सबका फोकस बस इस बात पे था कि जॉब इस पर क्या कहेंगे। नाउ स्टीव जॉब्स उनकी सारी बातें अच्छे से सुन रहे थे, सुनने के बाद उन्होंने कुछ सेकंड्स बिल्कुल कुछ नहीं कहा, शांत हुए। अब वो चाहते तो इंटरव्यूअर पर गुस्सा हो सकते थे, उसे बुरा कह सकते थे कि लाइक तुम कुछ नहीं जानते कंप्यूटर के बारे में, तुम क्वेश्चन ही आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट कर रहे हो, तुम्हें खुद को नहीं पता कि तुम क्या बोल रहे हो और तुमने क्या किया है अपनी लाइफ में, या फिर वो उस रिपोर्टर को इग्नोर भी कर सकते थे ज्यादातर लोगों की तरह, पर नहीं, इंस्टेड उन्होंने उस इंटरव्यूअर की हंसते हुए तारीफ करी और कहा कि तुमने बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछा है, और एक बहुत पावरफुल लाइन बोली, यू कैन प्लीज सम ऑफ द पीपल सम ऑफ द टाइम बट नॉट ऑल द पीपल ऑल द टाइम। मतलब आप कुछ टाइम में बस कुछ ही लोगों को खुश कर सकते हो। उन्होंने बोला कि पिछले 7 सालों में हमने कई सारी मिस्टेक्स करी है, ओपन डॉक्स का फेलियर भी एक मिस्टेक थी, और उन्होंने हंसते हुए कहा कि एक्चुअली मैं बहुत मिस्टेक्स करता हूँ और आगे भी मैं बहुत मिस्टेक्स करते रहूंगा, सॉरी फॉर दैट। बट हाँ, याद रखो, हम उन सभी मिस्टेक्स को ठीक भी जरूर करते हैं, प्रोग्रेस करते रहते हैं और अपने प्रोडक्ट को और बेटर बनाते रहते हैं कस्टमर्स के लिए। रिप्लाई ऑसम था, राइट? देखो, स्टीव जॉब्स ने यहाँ अपनी इंसल्ट को ऑप्टिमिस्टिक वे में ट्रीट करा। इनफैक्ट मैं यहाँ अच्छे से आपको बता नहीं पाया हूँ, बट उन्होंने सब कुछ बहुत ह्यूमरसली एक्सप्लेन करा। उन्होंने एक्सेप्ट करा कि जो भी पॉइंट्स उस इंटरव्यूअर ने रेस करे थे उनमें से काफी बातें सच भी थी, बट स्टिल उन्होंने उन बातों को अपने ही फेवर में यूज करा। देखो दोस्तों, अपनी इंसल्ट पर साइलेंट रहने से आप खुद को कन्विंस कर लेते हो कि आपको इससे कोई फर्क नहीं पड़ा और आप उस सिचुएशन से निकल जाते हो, बट ह्यूमर का यूज करके आप इससे बेटर वे में डील कर सकते हो, बेटर रिस्पॉन्स दे सकते हो। फॉर एग्जाम्पल, अगर कोई आपसे कहता है कि अरे तू कितना खाना खाता है, हर जगह से मोटा होते जा रहा है और बिल्कुल एक पैंडा की तरह लगने लगा है, तो आप इसके ऊपर रिस्पॉन्ड कुछ इस तरह कर सकते हो, अरे हाँ यार, लॉकडाउन में कुछ ज्यादा वेट गेन हो गया है, जिम ज्वाइन करते हैं क्या साथ में, देखते हैं कौन सबसे ज्यादा वेट लूज करेगा, क्योंकि तू भी अभी फूले हुए भटूरे जैसा ही लग रहा है, और रही बात पैंडा की तो वो मेरा फेवरेट एनिमल है भाई, थैंक्स। या अकॉर्डिंग टू द सिचुएशन, वो इंसान पतला है तो आप बोल सकते हो, हाँ यार, लॉकडाउन में कुछ ज्यादा वेट गेन हो गया है, पर तुझे क्या हुआ है, तू डाइटिंग पे था क्या, या तुझे कुछ खाने नहीं मिल रहा है लॉकडाउन में, चल आज साथ में डिनर करते हैं, तेरा वेट बढ़ाने में थोड़ा हेल्प कर देता हूँ मैं, ताकि तू थोड़ा कम कांडी दिखे। ना ऐसी आप भी कुछ क्रिएटिविटी यूज करके, ह्यूमर यूज करके अपनी इंसल्ट पर रिस्पॉन्ड कर सकते हो, जो बेस्ट होता है। जब भी कोई आपकी इनसिक्योरिटीज, शॉर्टकमिंग, कमियों का यूज करके आपकी इंसल्ट करता है और आप गुस्सा होने के बजाय खुद ही अपनी शॉर्टकमिंग को एक्सेप्ट कर लेते हो, हंसने लगते हो, तो उसकी कही हुई पूरी बातें वर्थलेस हो जाती है और वो आपसे जो रिएक्शन मांग रहा होता है, मतलब एंगर, फ्रस्ट्रेशन का, आप उसे वो नहीं देते, बल्कि आप उसे ह्यूमर में कन्वर्ट करके बिल्कुल अपोजिट रिएक्शन देते हो, मतलब लाफ्टर, हंसने का, जिससे उस कन्वर्सेशन का पूरा एनवायरनमेंट, पूरा माहौल काफी हल्का हो जाता है, जो बेस्ट चीज होती है हमेशा, बिकॉज ये आपकी पर्सनैलिटी को हेल्दी और आपके फनी साइड को दिखाता है, प्लस ये दिखाता है कि आप एक ऑप्टिमिस्टिक पर्सन हो जो रियलिटी को एक्सेप्ट करता है, और वो बताता है कि आप जैसे भी खुद हो अपने आप को पसंद करते हो बजाय इनसिक्योर रहने के। सो टू एंड, ये बातें याद रखो। नाउ कंक्लूड करने के लिए बताऊं तो आप 3 तरीके से लोगों को रिस्पॉन्ड कर सकते हो अपनी इंसल्ट पे। फर्स्ट, आप गुस्सा कर सकते हो अपनी इंसल्ट पे, जो आपको कभी नहीं करना चाहिए। सेकंड, आप क्या कर सकते हो कि आप क्वाइट रह सकते हो, खामोश रह सकते हो, और ये चीज बेस्ट होती है स्ट्रेंजर्स के लिए। थर्ड, या फिर आप क्या कर सकते हो कि आप एक्सेप्ट कर सकते हो और फिर उसे ह्यूमर के साथ डील कर सकते हो, जो कि बेस्ट वे होता है अपनी इंसल्ट से डील करने का। नाउ अभी के लिए बस इतना ही। लाइक करें अगर आपको ये बातें जरा भी काम की लगी हो तो। कमेंट करके बताएं कि आप अपनी इंसल्ट से कैसे डील करते हो। शेयर करें इस वीडियो को उन सभी लोगों के साथ व्हाट्सएप पे जो अपनी इंसल्ट को हैंडल नहीं कर पाते हैं या ऑफेंड हो जाते हैं बहुत जल्दी।
और सबसे मेन, अगर आपने सब्सक्राइब करके बेल आइकन नहीं दबाया है तो वो प्लीज दबा दीजिए और हमारे मिशन रीड इंडिया रीड का एक हिस्सा बने, जहां हम मिलकर लोगों के अंदर बुक्स पढ़ने का शौक पैदा कर रहे हैं। तो अभी के लिए बस इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग।